खबर बरेली के नवाबगंज तहसील के थाना क्योलड़िया क्षेत्र से है। मेथी नवादे गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किसान की बंके से काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मृतक कुंवर सेन के परिजनों का कहना है कि लगभग 6 महीने पहले गांव के निवासी एक व्यक्ति से मृतक के छोटे भाई का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर मृतक के छोटे भाई का दबंगों ने घर में घुसकर कालिक से उसका मुंह पोता और उसे पूरे गांव में घुमाया। इसी से आहत होकर कुंवर सेन ने अगले दिन आरोपी भूपराम के पुत्र को डंडा मार दिया। इसी को रंजिश मानते हुए 19 जून को आरोपियों ने उस वक्त कुंवर सेन पर हमला बोल दिया जब वो अपने गांव के एक युवक के साथ बारात में जा रहा था। गांव के रास्ते पर पहले से घात लगाए बैठे गांव के दबंगों ने शाम के करीब 7:30 बजे गांव में ही रास्ते में रोककर उस पर बंके से वार कर दिया। इसी बीच कुंवर सेन के साथी ने विरोध किया तो आरोपी उस पर भी हमलावर हो गए, जिसके बाद उसके साथी ने मौके से भागकर जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी कुंवर सेन के परिजनों को मिली तो खून से लथपथ कुंवर सेन को आनंद फानंद में अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुंवर सेन ने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस वाला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस चाहती तो मृतक का बयान ले सकती थी, लेकिन पुलिस काफी देर से मौके वारदात पर पहुंची। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण। मृतक के कौन है आप? मैं ससुर हूँ। ससुर, क्या हुआ, क्या था? ऐसा था कि जो उनके छोटे भाई था वो कहीं बने गया नवेराम था, वहाँ इसने ये जिक्र करी थी कि जो भूपराम जो है इसने मारा है वो क्या नाम अपनी समझन को रखा इस तरीके से। हाँ, अवैध संबंध के हंसी मजाक की बात में कह गई उसने। इसके बाद उसने क्या काम करो, अपनी संगन को बुलाए के और इसको कालो मुंह करके, एक मुसलमान का बच्चा था, जबरदस्ती काला मुंह करके सीधे गांव में घुमाया था। ये एक मैथी गांव है कुलड़िया में, तो कल 8 बजे करीब घटना शाम की है। तो ये अपने घर से दूसरे एक शादी में शामिल होने जा रहा था, तो रास्ते में इसके रंजिश वालों ने 3 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। मुकदमा लिखा गया है और जल्दी अभी तो गिरफ्तार करेंगे, नामजद मुकदमा है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है कोई। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।